Story Bodhi presents Farm Animals starring Saavi. Saavi अपने नाना नानी के खेत वाले घर पर जाने को तैयार हो रही थी। वो खुशी के मारे नाचती घूम रही है। सावी, ठीक से खड़ी रहो, मुझे तुम्हारे बाल ठीक से बनाने दो। अपने कपड़े बदल लो, ये बहुत गंदे हो गए हैं। नहीं माँ, मुझे यही कपड़े पहनने हैं, ये मेरा पसंदीदा रंग है, नारंगी। सावी की माँ उसे नाना के यहाँ छोड़ने जाती है। वीर और जानवी पहले से ही उसका वहाँ इंतजार कर रहे होते हैं। सुप्रभात सावी, मुझे उम्मीद है तुम अपने सवालों के साथ तैयार होगी। सुप्रभात नाना जी, हाँ मैं तैयार हूँ। सावी दीदी, आपकी कॉपी और कलम कहाँ है? सावी अपने लाल झोले में कॉपी और कलम ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। वो निराश होकर नाना जी को देखने लगती है। जाओ दौड़कर मेरी मेज से कॉपी ले आओ, कलमदानी में तुम्हें कलम भी मिल जाएगी। वे सभी खेत वाले मकान पर पहुंचे। वो बहुत बड़ा मकान था, हर पशु के लिए जैसे अलग अलग कमरा हो। गाय के गोबर की बदबू आ रही थी। सावी और जानवी ने अपनी नाक बंद कर ली। बतख का पूरा परिवार वहाँ तालाब में तैर रहा था। तभी उन्हें वहाँ घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जानवी डर जाती है और सावी का हाथ कसकर पकड़ लेती है। जानवी घबराओ मत, ये एक सुअर का पिल्ला है जो अपनी माँ को बुला रहा है। आ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वे खेतों वाले मकान के अंदर जाते हैं। वहाँ दो भूरे रंग के दो सुअर के पिल्ले कोने में बैठे थे। उनके पास कुछ बकरियाँ बैठी थी। दूसरे कोने में एक भूरे रंग का घोड़ा चुपचाप खड़ा था। नाना जी, वो घोड़ा वहाँ अकेला क्यों खड़ा है? वीर, ध्यान से देखो, वो सो रहा है। लेकिन नाना जी, कोई ऐसे खड़े खड़े कैसे सो सकता है? घोड़े के पैरों की बनावट विशेष तरीके की होती है, जिसकी वजह से उनके घुटने मुड़ते नहीं और वो संतुलन खोए बिना खड़े खड़े सो सकता है। लेकिन वो ऐसे क्यों सोते हैं? एक घोड़े को उठने में बहुत समय लगता है। ऐसे यदि कोई दूसरा जानवर उन पर हमला कर दे तो वो तुरंत भाग सकते हैं। सावी एक बड़ी सी काली भैंस को घास खाते हुए बड़ी जिज्ञासा से देख रही थी। नाना जी, वो बड़ा सा जानवर कौन सा है? क्या सभी जानवर इससे डरते हैं? अगर उसने सभी जानवरों को खा लिया तो? नाना जी हंसने लगते हैं। उस बड़े से जानवर को भैंस कहते हैं। वो देखो, वहाँ कुछ कीचड़ में भी बैठी है। वे दूसरे किसी जानवर को नहीं खाती है, क्योंकि वो शाकाहारी होती है। नाना जी, शाका का क्या? शाकाहारी मतलब वो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे पत्तियाँ, घास, फूल, फल इत्यादि। नाना जी, क्या सभी जानवर शाकाहारी होते हैं? नहीं, लेकिन खेतों पर रहने वाले जानवर जैसे भैंस, गाय, बकरी, घोड़ा ये शाकाहारी होते हैं। क्या हमें सभी जानवर से दूध मिलता है? हाँ सावी, तुम सही कह रही हो, हमें गाय, भैंस और बकरी से दूध मिलता है। दूध आपकी हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा होता है, यह आपको मजबूत बनाता है। नाना जी, आज से मैं रोज एक ग्लास दूध पिया करूँगी, मैं बड़ी होकर शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। थोड़ी देर छोटू को गाय का दूध दूहते देखकर वे लोग मुर्गी और चूजे देखने चले गए। ये छोटे से घर क्या कहलाते हैं? वीर, ये हमारे घरों जैसे ही लग रहे हैं ना? हाँ वाकई सावी, जैसे हम लोग बंगले में रहते हैं वैसे मुर्गियाँ और चूजे दड़बे में रहते हैं। नाना जी, हमें चूजे और मुर्गियों से क्या मिलता है? जानवी, वो हमें अंडे देते हैं, सही है ना नाना जी? हाँ सावी, तुम सही कह रही हो, अंडे हमारा दिमाग तेज बनाते हैं, ये हमारी आँखों, नाखूनों और बालों के लिए अच्छे होते हैं। अंडे से हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। सावी, वीर, जानवी, मुझे वादा करो कि तुम लोग रोज अंडा खाओगे। हाँ नाना जी, हम वादा करते हैं कि हम रोज अंडा खाएंगे। थोड़ी देर बतखों के साथ खेलने के बाद वे लोग शाम को थके मंदे घर लौट गए। सावी की माँ वहाँ उनका इंतजार कर रही थी। तुम्हारी खेतों के घर की सैर कैसी रही? माँ, हमने बहुत मजे किए,
हमने वहाँ कुछ सुअर के पिल्ले एक दूसरे से खेलते हुए देखे। बकरियाँ भी थी। एक घोड़ा अपने अस्तबल में चुपचाप खड़ा था। माँ, आपको पता है घोड़े खड़े खड़े भी सो सकते हैं? मैंने और जानवी ने दूध पिया जो छोटू ने भैंस के पेट से निकाला था। वो बहुत स्वादिष्ट था। हम लोग बतखों के साथ भी खूब खेले। अरे वाह, बहुत अच्छा। अब घर चलो सावी, तुम्हें याद है ना कल से तुम्हें स्कूल भी जाना है।